नमस्कार, रफ्तार मीडिया के खास कार्यक्रम खुलासा में आपका स्वागत है। हम अपने खुलासा में हर उन बातों का पर्दाफाश करेंगे जिन्हें पर्दे के पीछे अंजाम दिया जाता है। हम वो तमाम राजफाश करेंगे जिन पर कुंडली मार के कुछ लोग बैठे हैं। हम उन सफेद पोश नकाब उतारेंगे जो सरकारी धन का गबन करते हैं, आपकी गाढ़ी कमाई के साथ खिलवाड़ करते हैं। मतलब ये कि हर नाजायज धंधे से जुड़े लोगों के कारनामों का कच्चा चिट्ठा हम खुलासा में आपको दिखाएंगे, बिना डरे बिना रुके सच के साथ सबूत। खुलासा के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के एक ऐसे सरकारी दफ्तर की जहां का काम वहां के कर्मचारी नहीं करते बल्कि सरकारी बाबू की जगह यह काम नाजायज कर्मचारी से करवाया जाता है जो ना तो वहां के मुलाजिम है और ना ही किसी हैसियत से वहां उन्हें बैठने का हक है। फिर भी वह कार्यालय जाते हैं और बेधड़क अपनी सीटों पर बैठकर सरकारी फाइलों में लग जाते हैं। अगर आपको भी अपना काम करवाना है तो आपको इन्हीं नाजायज कर्मचारियों से मिलना होगा और पैसे का लेन देन तय करना होगा, तभी आपका काम हो पाएगा। पहले यह विजुअल देख लीजिए, आप पूरी तरह समझ जाएंगे कि यहां का माजरा क्या है। तो देखा आपने, देखकर आप यह समझ नहीं पाएंगे कि यह इस कार्यालय के कर्मचारी हैं या अनाधिकृत लोग जो यहां बैठकर अपने काम को पूरे अधिकार के साथ अंजाम दे रहे हैं। आइए अब हम आपको पूरा माजरा समझाते हैं। दरअसल यह बिहार की राजधानी पटना का जिला परिवहन कार्यालय है। इस कार्यालय में आपको परिवहन से संबंधित चाहे किसी भी तरह का काम हो यही कर्मचारी उसे अंजाम देते हैं। लेकिन आप इस मुगालते में न रहिए कि आप जाएंगे और आपका काम फटाफट हो जाएगा। दरअसल वहां इन्हें इसलिए रखा गया है ताकि वह आपसे अपने अवैध पैसे के लेन देन की बात कर सके, सीधी भाषा में जिसे रिश्वत या घूस कहते हैं। सुशासन की सरकार है और भ्रष्टाचार पर लगाम है, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा सच जिसे देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि सुशासन बाबू की सरकार में भ्रष्टाचार पर कितना कमांड है। यह पटना जिला परिवहन कार्यालय का दफ्तर है जो हमेशा अपने कारनामों को लेकर सुर्खियों में बना रहता है। चाहे 900 से ज्यादा गाड़ियों के फर्जी रजिस्ट्रेशन का मामला हो या फिर इस दफ्तर पर दलालों की दखल का, एन केन प्रकारेण सुर्खियों में बना रहना इसकी आदत बन गई है, क्योंकि इसके पीछे छुपा है एक बड़ा खेल। यह वह खेल है जिसमें लाखों रुपए की रोजाना उगाही होती है। कहने को तो इस कार्यालय में अधिकारियों को छोड़कर महज 4 कर्मचारी की ही अस्थायी नियुक्ति है, लेकिन जब आप इस कार्यालय में जाएंगे तो आपको 40 से 50 ऐसे लोग मिल जाएंगे जो काउंटर पर काम करते हुए दिखेंगे, लेकिन अधिकारी इसे मानने को तैयार नहीं है। ऐसी बात नहीं है, नाजायज कर्मचारी क्यों काम करेंगे, कर्मचारियों की संख्या हमारे पास पर्याप्त है। मोबाइल से लिए गए इस तस्वीर को देखकर बखूबी समझ सकते हैं, हालांकि हमारे पास कैमरा नहीं चलाने की मजबूरी थी, क्योंकि कैमरा देखते ही ये सभी तथाकथित कर्मचारी भाग खड़े होते हैं, इसलिए हमने मोबाइल का इस्तेमाल किया। ये अंदर की तस्वीर है जिसमें आप साफ साफ नाजायज कर्मचारियों को देख सकते हैं
सभी कर्मचारी ऐसे काम कर रहे हैं जैसे लगता हो कि वह परिवहन विभाग का अस्थायी कर्मचारी है। सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक बिना पैसा दिए आपका वहां एक काम नहीं हो सकता। यदि आप बगैर दलाल के काउंटर पर पहुंच भी जाते हैं तो आपको कागजी यानी डॉक्यूमेंट जांच के बहाने आपका कागज या फिर संबंधित फॉर्म जमा नहीं हो पाएगा। हालांकि जिला परिवहन पदाधिकारी एक सिरे से इस बात को खारिज करते हुए कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इस बात को जरूर स्वीकार करते हैं कि उनके पास 7-8 कर्मचारी स्थायी हैं, लेकिन समय पर उनके पास पर्याप्त कर्मचारी हैं। नजायज कर्मचारी क्यों काम करेंगे? कर्मचारियों की संख्या हमारे पास पर्याप्त है और सभी लोग काम कर रहे हैं, काम की अधिकता बहुत है। बाहर से लोग अपना काम लेके आते हैं, यदि उन्हें हम कर्मचारी मान लें तो ये गलती होगी। हमारे यहाँ बहुत सारी एजेंसी है, उनके भी लोग आते हैं, तो उस वजह से ऑफिस में भीड़ भाड़ जरूर दिखती है, लेकिन बाहर के कोई कर्मचारी नहीं होता। कर्मचारी बेल्ट ऑन के और ये अभी हमारे पास 7-8 होंगे, 8 बेल्ट ऑन के लोग हैं, 29 हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, 1 प्रोग्रामर हैं, 3 बाबू हैं, चलन दस्ता सिपाही है जिनकी हमने प्रतिनियुक्ति कर रखी है, वो भी 18 हैं, तो लोग बहुत हैं। कोई ऐसा नहीं है कि नाजायज कर्मचारी आते हैं? नहीं, क्यों रहेगा नाजायज कर्मचारी। अभी मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन पटना परिवहन कार्यालय पर रफ्तार मीडिया का खुलासा परत दर परत जारी रहेगा। आगे इस खबर पर आपको देंगे ज्यादा अपडेट। नमस्कार।